नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील धारचूला के श्यांकुरी में सड़क निर्माण और टामरीकरण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कलवे धामी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप जाँच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्यांकुरी गाँव के लिए पूर्व में बनी सड़क पर डामरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। पैदल चलने में ही डामर उखड़ रहा है और हल्की सी बरसात में ही इसके बह जाने की पूरी आशंका है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र सौंप डामरीकरण की गुणवत्ता की जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज इससे मुलाकात करी, जिसमें उन्हें ये बताया कि डामरीकरण का जो निम्न स्तरीय और गुणवत्ताहीन कार्य चल रहा है सड़क को लेकर श्यांकुरी और जुम्मा में, जिसमें सड़क में घास भी उगने लगी है और अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले डामर हुआ है और बहुत ही निम्न स्तरीय गुणवत्ताहीन तरीके से उस कार्य को किया गया है। डीएम महोदया जी से अनुरोध किया गया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नेपाल सीमा को जोड़ने वाली पिथौरागढ़ चूलाघाट सड़क में सुरक्षा के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे क्रस बैरियर लगाने का काम शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा की दृष्टि से क्रस बैरियर लगाए जाने की मांग की थी। मांग पर गौर करते हुए लोक निर्माण विभाग ने कार्य शुरू कर दिया। बड़ालू से चूलाघाट के बीच सभी खतरनाक स्थलों पर क्रस बैरियर लगाए जाने हैं। कार्य शुरू किए जाने को लेकर नगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक जरवाल, उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार भट्ट, डब्बू गलखुड़िया, उपेंद्र चंद, सुरेश पंगरिया और टैक्सी चालकों ने विभाग का आभार व्यक्त किया है। इधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता वेद प्रकाश ने बताया कि चूलाघाट से बड़ालू तक दुर्घटना संभावित स्थलों में क्रस बैरियर लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे स्थल चयनित किए गए हैं जहाँ सड़क बेहद सक्रिय है। पिथौरागढ़ के गांधी चौक में आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिवंगत लोक गायक प्रकाश बेलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे के संचालन में आयोजित हुई सभा में वक्ताओं ने 42 वर्षीय दिवंगत प्रकाश बेलाल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रीढ़ बताया। प्रकाश बेलाल कारगिल शहीद कुंडल सिंह बेलाल के भाई थे। इस मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस अवसर पर डीएन भट्ट, जनार्दन उप्रेति, दीवान सिंह बल्दिया, व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत, प्रकाश जोशी, रमेश सिंह मेहर, नारायण सोराड़ी, राजेंद्र देवला सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत मिलने पर अल्मोड़ा के आप पार्टी वरिष्ठ नेता भुवन जोशी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का जवाब भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को देना पड़ेगा। इस दौरान आप नेता भुवन जोशी ने आप पार्टी वरिष्ठ नेताओं पर की जा रही कार्रवाई की निंदा करते हुए विद्वेष और दमन की राजनीति को लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए घातक बताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का जवाब आगामी चुनाव में सामने आने की बात कही। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्ज्वल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। धोखे, बेमानी एवं जालसाजी से जमीन का सौदा मामले में बनभूलपुरा हिंसा में शामिल अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया मलिक को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 22 फरवरी 2024 को वादी गणेश भट्ट, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी द्वारा कंपनी बाग बनभूलपुरा जनपद नैनीताल स्थित लीज भूखंड की भूमि पर सफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक सहित अन्य कुल 6 के विरुद्ध षड्यंत्र और कूट रचना करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग करते हुए भूमि पर अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तांतरण करने का कार्य तथा उक्त के साथ साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर
राजकीय विभागों एवं झूठे शपथ पत्रों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने का कार्य करने की तहरीर हल्द्वानी कोतवाली में दी गई। तहरीर के आधार पर धारा 420, 417 व 120 भी आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर लगातार नामजद आरोपिता सफिया मलिक की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर जानकारी जुटाते हुए बीते दिवस ग्राम बिहारीपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश से आरोपिता को गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि आज नैनीताल पुलिस ने जो बनफूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था जिसमें नगर निगम के द्वारा एक एफआईआर करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त हैं जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विवेचना चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी। लाखों की नकदी व 20 लाख से अधिक के जेवरात चुराने वाले सातिक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का सामान आदि बरामद कर लिया। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली जसपुर में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर देकर बीते 1 अप्रैल रात्रि में सुगर मिल नादेही परिसर स्थित सरकारी आवास के बाथरूम के रोशनदान की जाली काटकर वादी के आवास में घुसकर 3,50,000 रुपये नकद व लगभग 22.5 तोला सोना जिसकी कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए है चोरी कर लिए गए। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी उधम सिंह नगर के आदेशानुसार मामले के शीघ्र खुलासे को लेकर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए 6 घंटे से कम समय में मुखबिर की सूचना पर बीते 2 वर्षों से चपरासी का कार्य करने वाले संदिग्ध रोहित कुमार पुत्र छोटे सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम नादेही को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई तो रोहित कुमार द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए अपने निशानदेही पर नादेही स्थित अपने घर में रखी रजाई के अंदर से मुकदमे से संबंधित चोरी का समस्त सामान बरामद कराया गया। मामले को लेकर एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का भी निर्देश रहता है कि संगठित अपराध और विशेष रूप से इम्पोर्टेंट अपराधों का त्वरित अनावरण और फुल प्रॉपर्टी रिकवरी होना चाहिए प्रॉपर्टी क्राइम्स में। तो इसी के तहत हमको जसपुर पुलिस को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। 1 और 2 के रात्रि में जहाँ पर अगले दिन जो है माननीय पीएम साहब का विजिट था उस समय जो है ऐसा एक वारदात हुआ था। हमने पहले से ही निर्देश दिया था कि देहरादून की इसको परिप्रेक्ष्य में कि भाई हमारी सारी टीमें थाने की अलर्ट रहेंगे करके। तो हमें एक जानकारी में आई चीनी मिल नादेही में एक बहुत बड़ी एक नकबजनी पड़ी है जिसमें घर का सारा सामान गायब है। तो तत्काल हमने संज्ञान लेकर अपना मतलब पूर्ण ताकत लगाते हुए जसपुर थाना पुलिस द्वारा सारे टीम्स एक्टिवेट किया गया। जसपुर थाने में जो नया SHO आया है हरेंद्र चौधरी और उसके साथ बहुत अच्छी टीम है राजेश पांडे चंदन बिष्ट ये सब एक्टिवेट हो गए। सारे टीमों को लगाया उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से कैमरा टेक्निकल सब चीज़ें देखा। मात्र 6 से 7 घंटे के अंदर जो है जीरो इन करते हुए चोर को ट्रेस आउट कर लिया गया। और क्योंकि टाइम बहुत कम अल्पावधि में इन्होंने पकड़ लिया तो स्वाभाविक है कि सारा माल रिकवर हो गया। कुल मिला के मैं बता दूं 100% रिकवरी हुआ है। 7 घंटे के अंदर ही बड़ी नकबजने की घटनी के अनावरण हुआ है। 20 लाख से भी अधिक कीमती माल हुआ है जिसमें 23 तोला सोना और 3,60,000 कैश कुल मिला के मोर देन 21 लाख की माल रिकवर हुआ है। टीम को इस प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए इनाम है 2,500 रुपये कैश रिवॉर्ड है और मैन ऑफ द मंथ के लिए मैं नॉमिनेट करता हूँ। सर सोना है और अभी तक तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है नहीं बट एज ऑफ नाउ जितना हम जानते हैं उतना ही बता पाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन मिलता है, सारा एक ही दिन में नहीं बता पाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम बताएंगे या पता करेंगे कि क्या इसका आपराधिक इतिहास है, कोई और साथी है कि नहीं है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। मनोज जनरल स्टोर पुस्तक व स्कूल ड्रेस विक्रेता खड़ी गली लाइन तकाना पिथौरागढ़। हमारे यहाँ सभी पब्लिक स्कूलों की पुस्तकों सहित समस्त स्टेशनरी का सामान महासेल में 50-60% की छूट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर दें। धन्यवाद। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहाँ हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण।
पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निःशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।